गुरुग्राम में बुधवार रात एक चलती स्लीपर बस में आग लग गई है। हादसे में 2 लोगों की जलकर मौत हो गई जबकि 12 लोग झुलसे पाए गए हैं। घटना दिल्ली गुरुग्राम एक्सप्रेसवे पर झाड़सा फ्लाईओवर के पास रात 8:30 बजे की बताई जा रही है। जानकारी मिलते ही दमकल की 3 गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग पर काबू पा लिया गया। 5 घायलों को मेदांता अस्पताल और 7 घायलों को सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है। आग किस वजह से लगी इसकी जानकारी अभी तक नहीं मिल पाई है। गुरुग्राम के पुलिस कमिश्नर विकास कुमार अरोड़ा ने बताया है कि घटना के वक्त बस में करीब 30 से 40 लोग सवार थे जो उत्तर प्रदेश के रहने वाले थे और दिवाली के मौके पर अपने घर जा रहे थे। ये लोग अपने साथ छोटे गैस सिलेंडर भी रखे हुए थे। पुलिस कमिश्नर अरोड़ा ने आगे कहा है कि शुरुआती जांच में यह बात सामने आई है कि आग इन छोटे सिलेंडरों की वजह से लगी होगी। हालांकि फोरेंसिक टीम मामले की जांच कर रही है। पुलिस ने यह भी बताया कि घटना के बाद बस का ड्राइवर भाग गया और उसे पकड़ने की कोशिश भी की जा रही है। 30 से 50% तक जले यात्री। गुरुग्राम के सिविल अस्पताल के डॉक्टर मानव ने बताया कि हमारी टीम 7 घायल लोगों का इलाज कर रही है। सभी घायल 30 से 50% तक जल गए हैं लेकिन उनकी हालत स्थिर है। वहीं घटना को लेकर ACP क्राइम वरुण दहिया ने बताया कि बस अरुणाचल प्रदेश की है जिसका नंबर AR01K7707 है। घटना स्थल से 2 लोगों की डेड बॉडी रिकवर की गई है। बस में सवार सभी लोगों को रेस्क्यू कर लिया गया है।